जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ ही रहूंगा, मरते दम तक। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा का ललन टॉप को 2018 को दिया ये इंटरव्यू अब तेजी से वायरल हो रहा है। वजह लॉरेंस बिश्नोई है। शेरा ने इसमें क्या कहा था पहले उसे सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। उनको सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा चाहिए था, सलमान भाई के साथ कोई बंदा चाहिए था, तो जब मुझे देखा सरदार लंबा चौड़ा तो मुझे बोला कि तू क्यों नहीं रहता शेरा भाई सलमान भाई के साथ, तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो तब से मैं पहला शो मैंने किया था 97 में सलमान भाई के साथ और अभी तक। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अब शेरा का यही इंटरव्यू डालकर लोग लिख रहे हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को शेरा का ये बयान सुन लेना चाहिए। दरअसल इसी महीने एबीपी न्यूज़ को जेल से दिए इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। अब सलमान के फैन कह रहे हैं शेरा के रहते सलमान का कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी और उनकी बॉन्डिंग ऑलमोस्ट लाइक 2 डेकेड से है ना, तो ये बॉन्डिंग जब पहली बार आप उनसे मिले वो वाले टाइम में अगर आप हमें लेकर जाएं तो वो कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी वो पहली मुलाकात और बॉन्डिंग शुरू? एक्चुअली पहली बार मैं सलमान भाई को मिला था विकफील्ड के शो पे, मैं विकफील्ड का शो कर रहा था तभी विकफील्ड आई थी, आई वाज टेकिंग केयर ऑफ विकफील्ड जो सिंगर है हॉलीवुड की, तो तभी मेरी उनकी मुलाकात हुई थी लेकिन बातचीत नहीं हुई थी ज़्यादा, खाली हेलो हाय हुआ था। उसके बाद दूसरी बार मैं कियानो रीव्स के टाइम पे वो आए थे तभी मैं सामने से जाके सलमान भाई से बात की थी मैंने, और उसके बाद फिर मुझे सोहेल भाई ने बुलाया था, उनको सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा चाहिए था सलमान भाई के साथ कोई बंदा चाहिए था, तो जब मुझे देखा सरदार लंबा चौड़ा तो मुझे बोला कि तू क्यों नहीं रहता शेरा भाई सलमान भाई के साथ, तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो तब से मैं पहला शो मैंने किया था 97 में सलमान भाई के साथ और अभी तक चल रहा है। तो वो शो कौन सा था और सलमान भाई उस वक्त सलमान भाई बन चुके थे? सलमान भाई वो हमेशा सलमान भाई थे, मतलब इन द सेंस कि एकदम सुपरस्टार हमेशा हमेशा ही सुपरस्टार। तो उस टाइम मतलब पूरा एकदम वो था कि आपके पास पूरा प्रेशर आ पूरा पूरा प्रेशर था। और फिर वो शो हम इंदौर में किए थे, जलंधर में किए थे शो, फिर शोज पे पहले शोज पे जाने लगा था। अच्छा। और आस्ते आस्ते फिर हर चीज़ में शूटिंग्स में हर जगह होने लगा, बॉन्डिंग होने लगी आस्ते आस्ते और हर जगह जाने लग गया ऐसा। अच्छा अच्छा, तो जब आप पहली बार उनके साथ गए थे तो ऐसा कोई आपको डायलॉग याद है कि उन्होंने आपको बोला था? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, वो ही वॉज जस्ट सीइंग मी वर्किंग, वो खाली देख रहे थे मेरा काम और ऑब्जर्व कर रहे थे, आई थिंक ही लाइक माई वर्क, और वो एक बॉन्डिंग हमारी और उसकी हुई है, तो आज इसलिए मैं जैसे ना आई एम हिज यस मैन। अच्छा, यस मैन मतलब हाउ डू यू डिफाइन इट? यस मैन मींस ही नोज दैट व्हाटएवर ही सेज आई विल डू इट, दैट कॉन्फिडेंस इज देयर। लोग अक्सर ऐसा सुनते हैं, मतलब आपको भी कहा है, मतलब आपने कहीं मेरी इंटरव्यूज में बोला है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं सलमान भाई के साथ रहूंगा। अभी भी बोलता हूँ जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ रहूंगा। एक बार कैमरे की तरफ देख के डालो बोलना, जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ ही रहूंगा। अच्छा, मरते दम तक। क्या बात है। तो ये वाला डायलॉग जब आपने रियलाइज किया, और ऑफकोर्स सलमान भाई ने भी ये सोच लिया होगा कि जब तक शेरा है तब तक वो मेरा बॉडीगार्ड रहेगा। yes. तो ये जैसे जनरली क्या होता है ना कि ऐसी बॉन्डिंग्स देखने को बहुत कम मिलती हैं, तो ऐसा भी हुआ होगा कभी कि जैसे कभी कुछ उन्होंने कह दिया, या मान लो अगर ऐसा कभी हो गया कि उन्होंने कहा है तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से डील करूँ? मैं जिंदगी में मेरे कुछ जिंदगी खुद के असूल और प्रिंसिपल रहे हैं जिनमें मैं उसमें कभी उस प्रिंसिपल से मैं हटा नहीं, मैं अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं की भाई के साथ, मैं सलमान भाई के साथ अपनी लिमिट नहीं क्रॉस की, मैंने वो स्पेस हमेशा रखा है हमेशा, तो इसलिए वो बॉन्डिंग रही हमारी साथ में आज तक के लिए। अच्छा, और कभी ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने ऐसे बोल भी दिया कभी खराब मूड में तो आपने कहा कोई बात नहीं? नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, खाली हमेशा मुझे यही बोलते बस फैंस का ध्यान रखना, देखना बच्चों को धक्का नहीं लगे, लेडीज को ओल्ड औरतें जो आती हैं सब किसी को धक्का नहीं लगे, सब कंफर्टेबल रहे, वो उनको ये ज़रा ज़्यादा रहता है क्योंकि क्राउड इतना आता है। और दूसरी क्या सलमान भाई की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि लोगों को देखना या फोटो खिंचाना दूर की बात है, उनको हाथ लगाना है हर एक को, चाहे वो औरत हो लड़की हो आदमी हो सीनियर सिटीजन हो बच्चा हो जो भी हो, उनको हाथ लगाना है, उनको टच करना है, वो सबसे बड़ा ये है सलमान भाई के साथ। और ये किसी स्टार के साथ नहीं है। अच्छा। ये खाली मैंने सिर्फ सलमान भाई के साथ देखा है वर्ल्ड में, और किसी मतलब स्टार के टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, छू के देखना चाहते हैं। तो आपका कोई ऐसा कोई डायलॉग है जब आप एकदम फुल फॉर्म में होते हो तो हटाने के लिए कुछ बोलते हो आप? नहीं नहीं मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं प्यार से हटाता हूँ, प्यार से सब अपना काम करता हूँ कि सब खुश रहे और हम भी खुश रहे, हमारा भी काम हो जाए। राइट। अच्छा, अब कितना प्रोटेक्शन का उनका ध्यान रखते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी, चाहे वो कोई सिटी का प्रमोशनल इवेंट हो, चाहे कोई मतलब जैसे कॉन्ट्रोवर्सी हो, या मान लो कि कोर्ट हियरिंग्स व्हाटएवर, मतलब तो उस वक्त जैसे घर वाले भी परेशान हैं, मान लीजिए कि सलमान भाई खुद परेशान है,
तो वो सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप खुद को कैसे उससे डिटैच करते हैं या आप अपना कैसे मैनेज करते हैं? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सलमान भाई परेशान नहीं होते, ही इज़ अ स्ट्रांग मैन, ही इज़ द टाइगर। और वो टाइगर को देख के तो हम हैं पीछे, जो हमारी हिम्मत बरकरार रहती है। तो कभी ऐसी मौका मिला नहीं है, एंड वी टेक केयर ऑफ हिम नाइसली, और सब कुछ हम करके निकल जाते हैं। एंड फिटनेस के आप ऑफ कोर्स जिम जाते होगे, अपने सब कुछ करते होगे, है ना? कितने घंटे की जिम करते हो? मैं करीबन डेढ़ घंटा जिम करता हूँ, 1.5 hours आई ट्राई टू गिव फॉर माई सेल्फ इन द जिम। ओके, एंड सो दिस इज फिजिकल फिटनेस, बट दिमाग की फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, जो काम रखे आपको, फोकस रखे, उसके लिए क्या करते हो? काम ही है, आप देख रहे हो 21 साल से तो काम ही चल रहा है। कभी कभी थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, लेकिन ठीक है, हैंडल कर लेते हैं। वही तो इसी का ये सीखना सबसे जरूरी होता है कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर। मतलब ऐसे योगा वोगा किए कभी? नहीं, मैं योगा आई डोंट नो, मैं इंटरेस्टेड नहीं योगा, मैं जिम में हूँ, शुरू से जिमिंग में था, तो इसलिए वो योगा साइड पर गया ही नहीं कभी, देखा ही नहीं योगा साइड पर क्या होता है। ओके ओके, सो कोई क्विक शेरा टिप्स मिल सकती हैं हमें अपनी ख्याल रखने के लिए? किस बारे में, कैसी टिप्स? मैं यही बोला, डेढ़ घंटा करो, और व्हाटएवर यू ईट, आपकी डाइट का स्पेशली ख्याल रखो, बिकॉज 70% इज योर डाइट व्हाट यू ईट। ओके ओके ओके, एंड वन थिंग, कोई ऐसी बात जो आप ही जानते हैं सलमान खान के बारे में जो देश नहीं जानता? सलमान भाई सबको प्यार करते हैं, ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। एंड हैव यू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, जो एक क्वालिटी आप जो पहले आपको लगता है कि मेरे में नहीं थी पर उनके साथ रह के आ गई? सबसे एक क्वालिटी है उनके साथ मेरे में थी, लेकिन उनको देख के हमें और वही कि हाउ यू लव योर फैमिली एंड हाउ यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, दैट इज़ ग्रेट। और जाते जाते एक सवाल जो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा है आपसे पूछने के लिए, कि लोग आपसे जुगाड़ लगा के मिलने की कोशिश करते होंगे, उनको क्या कहते हैं आप, क्योंकि हमारा देश जुगाड़ में बड़ा फेमस है? नहीं नहीं, वो जुगाड़ लगाते हैं, मैं भी थोड़ा जुगाड़ू बन जाता हूँ कभी। कुछ नहीं, मैं भी वैसे जैसे वो करते मिल लेता हूँ, फिर मैं भी उसी सब जब वक्त आता है तो फिर मैं भी खिसक लेता हूँ। अच्छा, अल्लाह दे देते हो? अल्लाह। बहुत ही मजा आया मुझे, थैंक यू सो मच शेरा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम, किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।